Welcome aboard Rocketship, the platform with the most relevant content for competitive examinations. This is the 34th lecture in our series on General Studies One-Liners. While prepared with SSC CGL in mind, this lecture is relevant for other exams conducted by SSC, by IBPS, ACIU, insurance companies, CAPF, and so on. The lecture will be delivered bilingually, that is in both English and Hindi. Ye lecture jo hai English aur Hindi dono mein hone wala hai. So let us begin with the first question, that is, what happens to electron affinity when atomic radii increase? The answer is electron affinity increases. Jab atomic radii ya fir आणविक त्रिज्या जो है वह बढ़ती है तो क्या होता है? उत्तर है, इसके साथ जो है वह जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है. व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम टेक्स एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? यह जो है वह ऊर्जा जो के बराबर है, उस ऊर्जा का मान है जो कि जब एक जो एटम है वह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. नेक्स्ट, ब्रासीला डिक्लेरेशन मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर रोड सेफ्टी. ब्रासीला डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? यह जो है सड़क सुरक्षा पर कुछ निर्देशों से संबंधित है. सम रिकमेंडेशंस फॉर रोड सेफ्टी. रामाकियन इज द ट्रेडिशनल रामलीला ऑफ. द आंसर इज थाईलैंड. रामाकियन जो कि संस्कृत के शब्द राम आख्यान, रामाकियन दैट इज अ फॉर्म ऑफ द संस्कृत राम आख्यान, इज द ट्रेडिशनल रामलीला ऑफ थाईलैंड. थाईलैंड के पारंपरिक रामलीला को क्या कहते हैं? उत्तर है, ये रामाकियन कहते हैं. विच पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज. राजभाषा से संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? उत्तर है, ये 17वां भाग संविधान का वह राजभाषा से संबंधित है. अशोकाज चितल दुर्ग इंस्क्रिप्शन. अशोक का चितल दुर्ग अभिलेख कहाँ है? उत्तर है, यह कर्नाटक में मिला है. हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट वर लिस्टेड बाय व्लादिमीर कॉपेन. द आंसर इज 5. ऑस्ट्रियाई जलवायु वैज्ञानिक व्लादिमीर कॉपेन ने विश्व के जलवायुओं को 5 प्रकार में विभक्त किया था. रामागुंडम तेलंगाना यील्ड्स विच मिनरल. द आंसर इज कोल. तेलंगाना में स्थित रामागुंडम से कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तर है, यहाँ पर कोयले की खदाने हैं, मतलब कि यहाँ से कोयला पाया जाता है. टर्निंग ओवर. फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 30 आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स. अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकार जो हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं. बट यू हैव टू रिकॉल दैट मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन्स. ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ज़्यादातर मौलिक अधिकार जो हैं, वह नागरिकों को और साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं. लेकिन संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आने वाले सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं. सो the cultural and educational rights coming under article 30 are not available to foreigners. This one you have to read it carefully. Cyanocobalamin is commonly known as vitamin B12. Cyanocobalamin ko hum sadharantaya kis naam se jante hain? Uttar hai, hum isko vitamin B ke naam B12 ke naam se jante hain. Cyanocobalamin is commonly known as vitamin B12. What you have to notice, आपको क्या ध्यान देना है, दैट विटामिन बी 12 कंटेन्स कोबाल्ट
एज इट्स नेम कोबालामिन सजेस्ट इट कंटेन्स कोबाल्ट. सो इफ यू आस्ट विच वाइटामिन कंटेन्स कोबाल्ट यू हैव टू मार्क साइनाकोबालामिन और वाइटामिन बी ट्वेल्व. आपको क्या ध्यान देना है कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वाइटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट नाम का तत्व होता है. अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज प्रिंस सिद्धार्थ वॉज अ डिरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ श्री राम. कुछ स्रोतों के अनुसार, कुछ बौद्ध स्रोतों के अनुसार भी प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ जो कि भावी भगवान बुद्ध हुए, वह जो हैं वह किसके वंशज थे, वह जो हैं भगवान श्री राम के वंशज थे. द लिरिक्स फॉर दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है वर पेंड बाई कवि प्रदीप. कवि प्रदीप हैड रिटन द लिरिक्स फॉर द फेमस सॉन्ग दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है. दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा के है के गीतकार कौन थे, इसके गीतकार थे कवि प्रदीप. मैसूरू इज लोकेटेड बिटवीन विच रिवर्स. द आंसर इज द कावेरी एंड द काबिनी. काबिनी एवं कावेरी नदियों के मध्य मैसूरू जो है अवस्थित है. सो इफ यू आर एवर आस्ट मैसूरू इज ऑन द बैंक ऑफ, यू कैन मार्क आइदर कावेरी और काबिनी. इफ द ऑप्शन से बोथ कावेरी एंड काबिनी यू हैव टू मार्क बोथ कावेरी एंड काबिनी. विच स्टेट टॉप्स इन कॉटन प्रोडक्शन. कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है, यह जो है गुजरात है. गुजरात टॉप्स इन कॉटन प्रोडक्शन. नेक्स्ट वेक्टर ऑफ डेंगी और डेंगू इज एडिस इजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस. डेंगी या डेंगू वायरस का वाहक कौन है, यह जो एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस नाम के मच्छर जो हैं, मच्छरों की प्रजातियां जो हैं वह डेंगी या डेंगू वायरस के वाहक होते हैं. मूविंग ऑन, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 2006. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अधिनियम जो है वह कब पास किया गया था, उत्तर है या 2006 में पास किया गया था. इसी के द्वारा FSSAI बनाया गया, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट वॉज क्रिएटेड अंडर द पावर ग्रांटेड बाई द FSSA एक्ट 2006. द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेडेड बाई जस्टिस वेंकटाचलैया. जस्टिस वेंकटाचलैया जो हैं वह द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष थे. हु इज नोन एज कलिकल्पतरु. कलियुग में कल्प वृक्ष के समान किन्हें कहा गया है, उत्तर है ये भगवान पार्श्वनाथ को कहा गया है जो कि 23वें जैन तीर्थंकर थे. भगवान पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थंकर थे उन्हें ही कवि कल्पतरु कहा गया है. द तत्वबोधिनी सभा वॉज फाउंडेड बाई महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर. महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज द फादर ऑफ श्री रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर हैड फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा, एन इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल रिफॉर्म, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. नेक्स्ट सिस्टर्नी और डिक्टियोजोम्स आर अ स्ट्रक्चर फाउंड इन, द आंसर इज गॉल्जी अपेरेटस. सिस्टर्नी या डिक्टियोजोम्स जो है किसमें पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, उत्तर है ये गॉल्जी अपेरेटस में पाई जाने वाली एक संरचना है. एंड यू नो द गॉल्जी अपरेटस आर एन ऑर्गेनिल ऑफ दिस सेल. द यूनियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, द आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा.
संघीय संसद के भाग कौन कौन से होते हैं, इसके अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? उत्तर है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो हैं वह संघीय संसद के, यूनियन पार्लियामेंट के अभिन्न अंग है। व्हाट यू हैव टू नोटिस हियर दैट द प्रेसिडेंट इज एन इनऑलियनेबल पार्ट ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। दिस इज बिकॉज व्हाइल अ लॉ बिल इज पास्ड बाय द हाउस, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट डज नॉट बिकम एन एक्ट, इट डज नॉट कम इन टू फोर्स अनलेस एंड अनटिल द प्रेसिडेंट हैज साइंड ऑन इट। जब तक कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है, कोई भी विधेयक जो है वह एक अधिनियम में, कोई भी बिल जो है वह एक एक्ट में नहीं बदलता है। इसी कारण से राष्ट्रपति भी जो है वह संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कार्डर ऑफ द IAS? The answer is the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. कौन सा मंत्रालय जो है वो IAS के काडर को मैनेज करता है? उत्तर है यह जो है कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय। The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions manages the कार्डर ऑफ दी IAS, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्डर को मैनेज करता है। नेक्स्ट, सिंगबियांग थंगियाप डांस एक्सप्रेसिंग ब्रीवमेंट इज परफॉर्म्ड इन, द आंसर इज मेघालय। सिंगबियांग थंगियाप नृत्य जो है जो कि शोक को प्रकट करता है, यह कहाँ पर किया जाता है? उत्तर है मेघालय। सिंगबियांग थंगियाप जो है वो मेघालय का एक नृत्य है जो कि किसी के निधन पर किया जाता है। ऑन समवंस डेथ दिस सिंगबियांग थंगियाप डांस इज परफॉर्म्ड इन मेघालय। इफ जयपुर इज द पिंक सिटी, जोधपुर इज द ब्लू सिटी। जैसे जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, उसी तरीके से जोधपुर को नीला नगर कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज एज इन जयपुर मेनी बिल्डिंग्स आर पेंटेड पिंक, सो इन जोधपुर मेनी बिल्डिंग्स आर पेंटेड ब्लू। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर पी वेणुगोपाल। किस शल्य चिकित्सक, किस सर्जन के नेतृत्व में भारत में पहला जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था? उत्तर है ये डॉक्टर पी वेणुगोपाल के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट, आत्मानुमुक्षार्थम जगद हिताय च इज द मोटो ऑफ श्री रामकृष्णा मिशन, RK मिशन। आत्मानुमुक्षार्थम जगद हिताय च किसका ध्येय वाक्य है? है ये रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है। ऑल राइट, वी रैप अप आवर लेक्चर फॉर टुडे, वी रीअसेंबल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इन अ फ्यू डेज। टिल देन कीप रिवाइजिंग योर नोट्स एंड डू अ फ्यू टेस्ट्स। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द गुड वर्ड विद योर फ्रेंड्स। योर फीडबैक, योर कमेंट्स आर मोस्ट अप्रिसिएटेड। वन मोर थिंग, एनेबल नोटिफिकेशन ऑन योर YouTube account. We wish you all the best. Thank you.